हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदू गुरुजी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2018 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थोड़ा एनालिसिस करेंगे आरआरबी कोलकाता जोन का। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है रेलवे ग्रुप डी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल स्टार्ट हो चुके हैं और मैक्सिमम सभी जोनों की जो है यहाँ पर डेट आपके लिए आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आरआरबी कोलकाता की डीवी लिस्ट जो सभी छात्रों की आ चुकी है, चाहे वो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो चाहे नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो, सभी की यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी गई है। साथ ही आपकी डेट भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फुल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो को कम्प्लीटली। सभी छात्र देखिएगा, शॉर्टलिस्टेड कितने छात्र कैंडिडेट किए गए हैं, कितने गुने छात्रों कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किया गया, सभी इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। साथ ही यहाँ पर कट ऑफ के बारे में भी जानेंगे, थोड़ा कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा। और मैं आपको बता दूँ, कोलकाता जोन का 30 अप्रैल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बड़ा एनालिसिस, फुल एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में पूरी आपको डिटेल बताएंगे कि क्या है कोलकाता जोन का, कितने गुने छात्रों को क्वालिफाई किया, कितने एक वैकेंसी थी और इस वीडियो में कट ऑफ कितनी थी कोलकाता जोन की, कितने छात्रों को क्वालिफाई किया गया था। तो पूरा इस वीडियो में डेट भी आपके लिए बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा फुल। और चैनल को अभी तक फ्रेंड आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स, मैं रेलवे की पल पल की अपडेट वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ। तो चलिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं जो आरआरबी कोलकाता जोन की यहाँ पर लिस्ट जारी हुई थी उस वेबसाइट पर, आरआरसी की वेबसाइट पर चलते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स देख पा रहे हैं, हम आरआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, ईस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यही वेबसाइट है जिसने अपना आरआरसी ईआर है, जिसने आपका कोलकाता जोन का फिजिकल कंडक्ट करवाया था, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल भी कंडक्ट करवा रहा है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड देखने को मिलेगा, ये वहाँ पर। तो इस नोटिस बोर्ड पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरह कुछ इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर बताया गया है कि इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा गए हैं वो इस वीडियो में, इस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं सभी कुछ, ठीक है। तो सभी जो उनका अलग अलग अपना अपना इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि पीडब्ल्यूडी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, पीडब्ल्यूडी छात्र हैं उन छात्रों का यहाँ पर लिस्ट शेड्यूल है पूरा डीवी के लिए, वो यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद नॉन पीडब्ल्यूबीडी छात्रों के लिए यहाँ पर लिस्ट है, वो यहाँ पर बताई गई है, क्या शेड्यूल है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम नॉन पीडब्ल्यूडी डॉक्यूमेंट जो नॉन पीडब्ल्यूडी छात्र हैं उनका लिस्ट यहाँ पर शेड्यूल देखते हैं पहले। तो इस पर हम लिंक पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर न्यू लिखा है उस पर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने नॉन पीडब्ल्यूडी छात्रों की लिस्ट को ओपन कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है आरआरबी का कोड, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, जो छात्र क्वालिफाई किए गए उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है, उसके बाद कैंडिडेट का नेम दिया हुआ है, उसके बाद फादर्स का नेम दिया हुआ है, उसके बाद जेंडर दिया हुआ है मेल फीमेल, और डीवी डेट यहाँ पर दी हुई है किस तिथि में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर 15/5, ठीक है, 17/5, 16/5, 8/5, इस तरह से यहाँ पर डेट दी हुई है। उसके बाद डीवी सेशन दिया हुआ है, यहाँ पर ईवी लिखा है, वो यहाँ पर इवनिंग है, एमबी लिखा है वहाँ पर मॉर्निंग, यानी कि इवनिंग टाइम में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एमबी का मतलब मॉर्निंग टाइम में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एमबी ईवी एमबी इस तरह से कुछ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीडीएफ है वो 60 पेजों की पीडीएफ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से नहीं काउंट करके बताया है रेलवे बोर्ड ने कि लिस्ट में कि इतने छात्रों के इस पेज में है। अगर फ्रेंड्स हम इसकी रफली अगर काउंट की जाती है तो रफली काउंट करीबन 2392 छात्र यहाँ पर बैठ रहे हैं करीबन, ठीक है, 2392 छात्र यहाँ पर बैठ रहे हैं नॉन पीडब्ल्यूडी छात्रों की लिस्ट के लिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, जो पीडब्ल्यूडी छात्र हैं उनका कितना लिस्ट में जो है नाम है, कितने छात्रों को पीडब्ल्यूडी वालों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। नॉन पीडब्ल्यूडी वाले छात्रों के लिए तो 2392 छात्र लमसम बैठ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम पीडब्ल्यूडी छात्रों की शेड्यूल, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिस्ट को जो है देख लेते हैं ओपन करके। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है लिस्ट ओपन हो चुकी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कितने छात्रों को क्वालिफाई किया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, केवल 9 छात्रों को क्वालिफाई किया गया है पीडब्ल्यूडी वाले छात्रों के लिए, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी जो थी पीडब्ल्यूडी की वो बहुत ही कम वैकेंसी थी, करीबन 5-6 वैकेंसी थी आपकी पीडब्ल्यूडी कोलकाता जोन में, ठीक है। तो यहाँ पर 5-6 वैकेंसी के लिए यहाँ पर करीबन 9 छात्रों को क्वालिफाई किया गया। अगर हम उनको काउंट करते हैं 2392 और 9 छात्रों को क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पर करीबन हमारे बैठ सकते हैं, करीबन मान के चल सकते हैं कि 24 छात्रों को जो है यहाँ पर क्वालिफाई किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो करीबन 2401 छात्रों को दिखा रहा है कि
2401 यानी 2400 छात्रों को क्वालिफाई किया गया है टोटल आरआरबी कोलकाता जोन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर हम राउंड फिगर में देखें तो मान सकते हैं आप कि 2400 छात्रों को जो है क्वालिफाई किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये था, अब हम देख लेते हैं कि कोलकाता जोन में वैकेंसी कितनी थी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने वैकेंसीज की टेबल ओपन कर ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोलकाता जोन की अगर हम बात करते हैं तो कोलकाता जोन में 2367 वैकेंसी यहाँ पर टोटल है, ठीक है, जो नॉन पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए, पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए, नॉन पीडब्ल्यूडी के लिए। अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करें तो करीबन एक वैकेंसी थी जब रिवाइज वैकेंसी हुई थी तो उसमें वैकेंसी बढ़ी थी, तो 4 या 5 आपकी वैकेंसी कर दी गई थी। तो यहाँ पर हम मान के 2367 वैकेंसी ये है, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपकी 2370 वैकेंसी है टोटल, ठीक है, 2370 वैकेंसी आपकी टोटल कोलकाता जोन की। अगर वहां पर हमने 2370 वैकेंसी आपकी टोटल जोन में वैकेंसी है टोटल पीडब्ल्यूडी और नॉन पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए, वहां पर हमने जो है क्वालिफाइड छात्रों की देखा तो 2400 छात्रों को क्वालिफाई किया गया। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड ने बोला था कि 1.05 छात्रों को क्वालिफाई किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर हम इसकी 1.05 से अगर इसकी गुणा करते हैं तो करीबन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 2480 85 समथिंग निकल कर आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करीबन 85 छात्रों को कम, 80-85 छात्रों को कम लिया गया है। यानी कि रेलवे बोर्ड का जिस जोन का ये मन है वही कर रहा है अपना, उसका मन है कि एक गुना बच्चों को ले रहा है तो एक गुना को ले रहा है, उसका मन है दो गुने को दो गुने ले रहा है, उसका मन है कि हमें मन है उतना ही लेना है, किसी का मन है कि हमें वैकेंसी जितनी है उतना ही लेना है, किसी जोन का मन ही है कि वैकेंसी है उससे कम छात्रों को लेना है। तो सभी अपने अपने मन से यहाँ पर हो रहे हैं शॉर्टलिस्ट, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो छात्र शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उन छात्रों से मैं कहना चाहूंगा, देखिए नॉर्मल आप जो है जाइएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से वहां पर दीजिएगा जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल। ज्यादा आपको घबराने की, होपलेस होने की किसी को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था पूरा फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है रेलवे द्वारा, आरआरबी कोलकाता द्वारा, वो उस इंस्ट्रक्शन को थोड़ा हम देख लेते हैं, वो इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आरआरसी ईस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं आरआरबी कोलकाता जोन का जो इंस्ट्रक्शन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उस इंस्ट्रक्शन को हम डाउनलोड कर लेते हैं। इस पर हम लिंक पर क्लिक करते हैं और इंस्ट्रक्शन हमारा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आरआरसी ईस्टर्न रेलवे का नोटिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक मैंने कल वीडियो बनाया था आपके लिए कि अगर आपके पास जो है यहाँ पर जो आपका सीबीटी है और पीटी का अगर कॉल लेटर आधा पोर्शन नहीं होता है तब क्या होगा, उसके बारे में छात्र ने कमेंट किया था लेकिन उसने पूरी वीडियो कंप्लीट नहीं देखी। भाई मैं आपसे कहना चाहूँगा यार, पहले पूरी वीडियो को कम्प्लीट देखने के बाद ही कमेंट्स किया करें। देखिए यहाँ पर सेकेंड नंबर पर दिया है कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एज वेल एज वन अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी बाई गैजेट ऑफिसर ऑफ ईच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कमेटी फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ पर बोला गया है कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक फोटोस्टेट पूरा सेट बनाइएगा सभी डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स, ठीक है। उसमें जो है आप सभी डॉक्यूमेंट्स जो जीरोक्स वाली फोटो कॉपी है उसमें गैजेट ऑफिसर से आप जो है उसे अटेस्टेड करवा कर लाइएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको वहाँ दिक्कत हो सकती है, ये साफ साफ इसमें बोला गया है, ठीक है। बहुत से जोनों ने क्या बोला है कि आप जो है सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं यानी खुद ही सिग्नेचर कर सकते हैं उसमें, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि आप गैजेट ऑफिसर कोलकाता ने स्पेशली बोला है कि गैजेट ऑफिसर से आपको जो अटेस्टेड करना है, खुद से इसको अटेस्टेड नहीं करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है नेक्स्ट में कि लोअर पोर्शन ऑफ कॉल लेटर इशूड टू कैंडिडेट्स ड्यूरिंग सीबीटी एंड पीटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स विल ब्रांग लोअर पोर्शन कॉल लेटर ऑफ सीबीटी। यहाँ बोला गया है कि जो देखिए जब आप सीबीटी का एग्जाम देने गएंगे उस टाइम आपको एडमिट कार्ड का आधा पोर्शन वापस किया होगा, जब फिजिकल देने गएंगे उस टाइम एडमिट कार्ड का आधा पोर्शन आपको वापस किया होगा, उन दोनों पोर्शन को आधे आधे पोर्शन को आपको वहाँ पर लेकर आने हैं। और पीडब्ल्यूडी वाले छात्रों के लिए फिजिकल के लिए नहीं बुलाया गया था तो उनके लिए केवल सीबीटी का ले जाना है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है कि ये आपको लाने ही पड़ेंगे पूरे आधे आधे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है, ठीक है, एडमिट कार्ड के दोनों आधे आधे पोर्शन जो मिले थे जब आप यहाँ पर सेंटर पर गए थे उस टाइम में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं फिफ्थ नंबर में क्या बताया गया है, थोड़ा यहाँ पर जोर दिया गया है आपके लिए, जो आपका आधा पोर्शन है उसके लिए यहाँ पर बोला गया है कि द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलॉटेड टू एंटर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विदाउट प्रोड्यूसिंग ऑनलाइन सीबीटी एंड पीटी कॉल लेटर इन ओरिजिनल, प्रिजर्व द कॉल लेटर केयरफुली एज नो फोटोकॉपी ऑफ एफआईआर फॉर लॉस विल बी एंटरटेन्ड एज ए सब्स्टिट्यूट।
यहाँ बोला गया है कि आपके लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सीबीटी और फिजिकल का आधा पोर्शन जो मिला था कॉल लेटर का, वो आधा पोर्शन लेकर आना है, ठीक है, नहीं तो आपको वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि प्रिजर्व द कॉल लेटर केयरफुली, इज नो फोटोकॉपी ऑफ एफआईआर फॉर लॉस। यहाँ बोला गया है कि आप जो है यहाँ पर साफ साफ बोल दिया रेलवे कोलकाता जोन ने कि एफआईआर की फोटो कॉपी भी आप लेकर आते हैं तब भी आपके लिए वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। यानी कि बहुत से छात्र एफआईआर करके ले जाते हैं, उसकी फोटो कॉपी उन्हें दिखा देते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड इस तरह से खो गया था आधा पोर्शन, वो हमें एफआईआर करवा के ले आते हैं, तो इन्होंने मना कर दिया है कि आप जो है आपको यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी अगर आप एफआईआर की फोटो कॉपी भी लाते हैं। फिर भी देखिए फ्रेंड्स, ऐसे केस में मैं आपको बता दूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी का हो जाएगा। आप जो है एक एफआईआर करवा कर उसकी फोटोकॉपी ले जाइएगा और एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, उसकी फोटोकॉपी ले जाइएगा, ठीक है, दोनों को ही बनवा लीजिएगा। आप इनकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों साथ में ले जाइएगा, और वो कहते हैं ओरिजिनल दिखाओ तो आप ओरिजिनल दिखा सकते हैं, ठीक है, और फोटोकॉपी मांगते तो फोटोकॉपी आप दे सकते हैं। आपको दिक्कत वाली किसी बात की नहीं है, सभी छात्रों का हो रहा है, ठीक है, एफआईआर बनवा के ले जाइएगा और एफिडेविट बनवा कर ले जाइएगा, ठीक है, तो आप इन दोनों को बनवा कर ले जाइएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया जाएगा, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट में एक छात्र वो कुछ नहीं ले गया था फिर भी उसका करवा दिया गया था, ठीक है। फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ और इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है बहुत से छात्रों को। देखिए यहाँ पर एज प्रूफ के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, वी में दिया हुआ है कि एज प्रूफ के लिए सर्टिफिकेट आपको हाई स्कूल की मार्कशीट ले जाना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, एज प्रूफ के लिए आप हाई स्कूल की मार्कशीट दे सकते हैं ले जाकर। उसके बाद आपको वैलिडिटी आइडेंटिटी प्रूफ देना है, लाइक जैसे बोला गया है आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड एक्सट्रक्चर, इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जितनी भी क्वालिफिकेशन सभी के डॉक्यूमेंट्स आप ले जाइएगा। उसके बाद ई में बताया गया है कि आपको ओबीसी अगर छात्र हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, रेलवे बोर्ड ने जिस भी फॉर्मेट में बताया है, ठीक है। एनएक्स और सेकंड में बताया गया है कि एनएक्स और सेकंड में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, उसी फॉर्मेट में आप इसे ले जाइएगा। एनएक्स और वन में एससी एसटी छात्रों के लिए बताया गया है कि आपको इस फॉर्मेट में बनवाना है अपना एससी एसटी वाले छात्रों के लिए वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट। और यहाँ पर बोला गया है कि ओबीसी छात्रों के लिए ओल्डर देन वन ईयर, एक साल से पुराना नहीं होना चाहिए, देखिए, और नया आप बनवा लेते तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ओबीसी छात्रों के लिए यहाँ पर एक डिक्लेरेशन, ओबीसी डिक्लेरेशन फॉर्म भी होगा, वो भी आप बनवा लीजिए, ठीक है, सेकंड बी में एनएक्स और सेकंड बी है वो, ठीक है, यही सब है। अब मैं थोड़ा यहाँ पर वैसे भी मैंने सभी कुछ बता दिया है पहले वीडियो में कम्प्लीटली, आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। थोड़ा कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं कि कितना कट ऑफ गया होगा। तो फ्रेंड जैसा कि देख पा रहे हैं हमने कोलकाता जोन की कट ऑफ को ओपन कर लिया है, देख सकते हैं आप 80.57 जनरल की थी, ओबीसी की 71.77 थी, एससी की 71.60 थी और एसटी की 55.76 थी। देखिए फ्रेंड्स जब मैंने पिछली बार एनालिसिस किया कुछ जोनों का, उन्होंने रेलवे, देखिए कोलकाता जोन ने कट ऑफ तो यही नहीं भेजी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या कट ऑफ थी, लेकिन जो कुछ जोन है उन्होंने अपनी कट ऑफ भेजी थी कि ये कट ऑफ गई है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर हम उन्होंने जो मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराई थी उसको, इसमें आपकी सीबीटी की जो कट ऑफ गई थी और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कट ऑफ गई थी उसको दोनों को यहाँ पर मैंने मेल करवाया था, तो उसमें जो है केवल 4-5-6 नंबर ज़्यादा ही जा रहे थे। जैसे जनरल की यहाँ पर गई है 80, सीबीटी की तो वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 84-85 गई है, ओबीसी की 71 यहाँ पर गई है तो वहाँ पर जो है 74-75, इस तरह से कुछ 4-5 नंबर ही ज़्यादा जा रहे थे, कोई दिक्कत वाली नहीं है। तो आप मान के चल सकते हैं कि आपकी जनरल की यहाँ पर 84-85 गई होगी, ओबीसी की 74-75 गई होगी, एससी की भी 73-74 गई होगी और एसटी की 58-60 के समथिंग गई होगी, तो इस तरह से कुछ आपकी कट ऑफ रही होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ फिलहाल वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर अभी भी आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।